तीसरा पॉइंट है वो ये है, बट कैन टेक प्लेस बिफोर द सनसेट्स विल नॉट सीम इनसिग्निफिकेंट इन द रिवर्स ऑफ सेंचुरीज। मतलब कि आज सूरज ढलने से पहले जो कुछ भी टेक प्लेस करेगा आपकी ज़िंदगी में, वो तो रिवर्स ऑफ द सेंचुरीज में वैसे भी इनसिग्निफिकेंट लगेगा। सपोज करो आज आपने सेल्स में हो, आपको पूरे दिन आज फेलियर महसूस हुआ, आपकी बॉस से लड़ाई हो गई, आपको रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिली, आप फेल हो गए आज, आपकी वाइफ से लड़ाई हो गई, आज गर्मी बहुत है तो आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आप धूप में खड़े रह गए, वहाँ पे आपको गाड़ी ठीक करानी पड़ गई, आपको छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, कोई बच्चा था उसने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करी, उसके माँ बाप की उससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, वो फेल हो गया, तो वो बच्चा इतना सीरियस हो जाता है, इतना सीरियस हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है, जैसे आप और मैं न्यूज़ चैनल में देखते ही हैं। लेकिन अगर उस बच्चे के दिमाग में ये बात रहती है कि आज जो भी सूरज ढलने से पहले चीज़ें होंगी वो तो रिवर्स ऑफ द सेंचुरीज में वैसे भी बहुत छोटी चीज़ होगी। सपोज करो आप किसी, आपका आज रिजल्ट आया और उस पर फेल हो गए, क्या 10 साल बाद भी उसके बारे में सोचोगे? 10 साल बाद अगर आप सोचोगे वो आपको चीज़ बहुत छोटी लगेगी, आप सोचोगे उस टाइम में कितना बेवकूफ़ था, ठीक है ना। हमारे साथ सबके साथ ऐसा हुआ है, स्कूल में हमारे बहुत गंदे गंदे मार्क्स आए, लेकिन आज वो हमारे को मैटर भी नहीं करते, आज हम सोचते भी नहीं, क्योंकि आज हम कुछ और कर रहे हैं। तो वैसे ही आज सूरज ढलने से पहले, चाहे आज का कुछ भी हो, कितना भी ख़राब दिन हो, गाड़ी ख़राब हो गई, बाइक ख़राब हो गई, गर्मी बहुत है, रिजेक्शन है, फेलियर मिला, ब्रेकअप हो गया, वाइफ से या बॉस से झगड़ा हो गया, या फिर आपका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या फिर आपकी अभी थोड़ी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये बात ध्यान रख लेना कि वैसे भी आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वैसे भी वो चीज़ बहुत इनसिग्निफिकेंट होगी, आपके लिए बहुत छोटी चीज़ होगी, आप उसके बारे में सोचोगे भी नहीं। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में आज कोई प्रॉब्लम भी है, एंग्जाइटी आ रही है, वरी आ रही है, फियर आ रहा है, डर आ रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है, तो वहाँ पर भी स्माइल करने की कोशिश करो। सपोज़ करो आज आपको किसी ने सुना दिया गुस्से में आके, या फिर अनॉयड होके आपको सुना दिया बहुत, और आपको बहुत बुरा लग गया, सूरज ढलने से पहले आपका ये सारी चीज़ हो गई, लेकिन एक बात आपको ध्यान रख लेना कि ये चीज़ भी गुजर जाएगी, दिस टू शैल पास, और आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद ये चीज़ आपके लिए बहुत इनसिग्निफिकेंट होगी। तो ज़्यादा सीरियस होने की भी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है, खुश रहो, स्माइल करो, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, ये चीज़ें दिमाग में रखोगे तो इससे आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, आप ज़्यादा मैच्योर होगे। मैच्योरिटी हमेशा नॉलेज और विजडम से आती है, समय के साथ और एज के साथ कभी मैच्योरिटी नहीं आती। एक इंसान हो सकता है 45 का हो लेकिन उसके दिमाग में ये बातें ना हो तो मैच्योर नहीं होगा इस चीज़ में स्पेशली। लेकिन अगर आप 25 के हो, 20 के हो, 30 के हो और आपके दिमाग में ये 3 बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो आपको और इसका आप यूज़ भी करना जानते हो, तो आपके अंदर डेफिनेटली मैच्योरिटी आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इसको पहले तो आपको समझना है, फिर आपको बैठ के अकेले में सोचना है कि ये ज़िंदगी में मैं अपने कैसे अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और फिर उसको अप्लाई करना है, और फिर अपनी ज़िंदगी में देखना कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आज की वीडियो आपको यूज़फुल और हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो इस टाइम तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, हो सकता है उनकी ये वीडियो बहुत मदद कर दे। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।